समस्त देशवासियों को नमस्कार। मैं राष्ट्रीय जनता दल पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष महेश पारचा। साथियों, देश में जो महंगाई है वो इसकी दर बढ़ी हुई है कि देश का जो गरीब कमजोर व्यक्ति इस महंगाई की मार से बहुत ही ज़्यादा परेशान है। एक तो कोरोना काल चल रहा है, ऊपर से लोगों के काम धंधे बंद हैं, लोगों के रोज़गार आधे जहाँ लोगों के छूटे हुए हैं। जो सरकारी कर्मचारी हैं उनको तो पर मंथ जो है सैलरी मिल जाती है, कुछ प्राइवेट फर्मों में लोग काम कर रहे हैं उनको किसी को आधी सैलरी मिल रही है, कुछ लोगों की कंपनी बंद हो गई है। और जो देश का गरीब मजदूर ऐसे हैं जो बेचारे घरों पे बैठे हैं, लेकिन महंगाई कम होने के बजाय दिन प्रतिदिन बिल्कुल आसमान छू रही है। तो उस देश का वो तबका भी जिसका कोई इनकम का साधन नहीं है वो भी इस महंगाई को फेस कर रहा है, इस महंगाई से जूझ रहा है। तो मेरा केंद्र सरकार से और स्टेट की जितनी भी हमारे जो देश की सरकारें हैं उनसे ये निवेदन है, राष्ट्रीय जनता पार्टी की मांग है कि इस महंगाई को कम किया जाए, जिससे कि इस परेशानी की घड़ी में इस देश का गरीब असहाय कमज़ोर व्यक्ति अपने आप को आर्थिक तंगी से परेशानी महसूस ना करे। तो राष्ट्रीय जनता पार्टी ये मांग करती है कि इस महंगाई से अतिशीघ्र कोई प्रावधान ऐसा किया जाए कि महंगाई को बिल्कुल नॉर्मल स्थिति में लाया जाए, जिससे कि इस देश का गरीब अपने आप को बिल्कुल आसानी से जीवन जीने में किसी परेशानी से ना जूझे। जय हिंद, जय भारत।